3 पर लोकसभा की जो विशेष सत्र था उसके सत्रावसान होने के पहले जब चर्चा हो रही थी तो रमेश विधूड़ी जो दिल्ली की एक लोकसभा सीट से भाजपा के एमपी हैं, उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली पर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, बल्कि गाली गलौज की भाषा में बात की थी और उनके आगे पीछे बगल में हर्षवर्धन बैठे थे बीजेपी सांसद और पीछे रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री बने बैठे थे, वो ही कर रहे थे। बाद में हर्षवर्धन ने सफाई दी कि वो जो है शोर शराबे में समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या कहा। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है लोकसभा के स्पीकर महाशय ने नहीं की, ओम बिरला साहब ने। ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने अधीर रंजन चौधरी के तथाकथित अपमानजनक टिप्पणी, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में की थी, तथाकथित इसलिए हम कह रहे हैं कि उस पर भी डिबेट है कि वो अपमानजनक थी कि नहीं थी, उनको निलंबित कर दिया। और अभी तक जो है वो आपके विधूड़ी साहब को निलंबित नहीं किया गया। और विधूड़ी साहब ने उस शब्द का प्रयोग किया अल्पसंख्यकों के बारे में जो मैंने अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था और जो है प्रतीकात्मक यात्रा जो है विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने निकाली थी जो है परिक्रमा पथ पर, तो वो उन्होंने कहा था कि जब ये काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, उस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर किया। तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी जो है वो 1992 वाले जो वहां पर वो लोग जुटे थे उसमें ये भी गए थे, क्योंकि इनको लगता है उसी समय से याद थी ये सब। अब सवाल इस बात का है कि चार विपक्षी नेताओं दलों ने, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और डीएमके ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए विधूड़ी के खिलाफ, जब अधीर रंजन चौधरी को तथाकथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए निलंबित किया गया तो इनके साथ ये मेहरबानी क्यों? दूसरी बात, जिस तरह जो है रविशंकर जी और जो है आपके क्या कहते हैं हर्षवर्धन जी जो पेशे से डॉक्टर हैं, रविशंकर जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, ये लोग जिस तरह से इन्होंने जो है उसको ही करके एक प्रकार से परोक्ष समर्थन दिया उनके विधूड़ी के उसको, मैं तो कह रहा हूं कि इनके खिलाफ भी एक जो है निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाना चाहिए, भले वो चाहे जो सफाई दें। तो सफाई तो सभी लोग देते हैं, इसके बावजूद कार्रवाई होती तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? चिट्ठी में जो है विशेषाधिकार हनन की बात कही गई है, सवाल इस बात का है कि अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है चिट्ठी लिखने वालों, उन्होंने लिखा दानिश अली एक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनके खिलाफ पसंदीदा शब्दों का प्रयोग किया गया, इससे भी अधिक खेदजनक और क्या होगा कि ये घटना तब हुई जब संसदीय इतिहास के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। हमारी मांग है कि इस मामले की विशेषाधिकार समिति द्वारा विस्तार से जांच की जाए और दोषी सदस्य रमेश विधूड़ी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अभी तक रहस्यमय चुप्पी है। अब इसमें संजय सिंह और राहुल चड्ढा भी कूद पड़े हैं। संजय सिंह आपके सांसद हैं जिनको राज्यसभा से निलंबित किया गया और राघव चड्ढा को भी निलंबित किया गया है। इन्होंने कहा कि मैंने, संजय सिंह ने, कि मैंने मणिपुर का मामला उठाया तो मुझे जो है निलंबित कर दिया गया। और इसी तरह राघव चड्ढा ने कहा कि जो है क्या कहते हैं महिलाओं को निमस्त्र, राघव चड्ढा ने दिल्ली बिल पर बोला तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो सवाल इस बात का है कि वो कह रहे हैं जब हमको सस्पेंड किया गया तो इन्होंने इतनी अपमानजनक एक पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया तो इनको अभी तक न निलंबित किया गया न विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी गई। अभी पता नहीं किस कोने में कहाँ विचारार्थ है। मुझे तो लगता है कि जब साहब का जो है वो क्या कहते हैं कोई वो मिलेगा इशारा तब लोकसभा में कार्रवाई होगी, वरना कार्रवाई तो फिलहाल जो है वो लटकी हुई है। दरअसल लोकसभा में 21 सितंबर को विशेष सत्र के दौरान ये घटना हुई। रमेश विधूड़ी ने चंद्रयान 3 की उपलब्धियों पर चर्चा के दौरान बीएसपी के सांसद दानिश अली को लगभग गालियां दी, मतलब गालियां दी, लगभग क्या गालियां ही दी आपको बता। तो सवाल है कि दानिश अली ने स्वयं भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है
कि कार्रवाई की जाए मेरे खिलाफ, मेरे लिए भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी और आतंकवादी जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। ये दानिश अली का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो है आपका, ये जो इसका जो वीडियो का वो है, वो वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने इसको तत्काल, उस समय कांग्रेस के जो है वो पीठासीन अधिकारी की के पर, उस पर कांग्रेस के सांसद बैठे थे, उन्होंने इसको तत्काल जो है इस शब्दों को कार्रवाई से हटा दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दानिश अली ने कहा कि सरकार ने पिछले ही सत्र में विपक्ष के नेता को छोटी सी बात के लिए निलंबित करवा दिया था, जबकि विधूड़ी तो गालियां दे रहे हैं। अब रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन भी बोले, अब हर्षवर्धन बोले कि सदन में जो अराजकता हुई थी, हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन सके कौन क्या कह रहा था। अच्छा, रविशंकर प्रसाद भी हंसते हुए नजर आए थे। सवाल इस बात का है कि ये क्या संसद में कोई कुछ भी कह दे तो क्या उस पर इम्यूनिटी होती है? संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में कही गई किसी बात के लिए कोई सांसद कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी सदन में कही गई बात, किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिली हुई है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो लोकसभा के प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को एक्शन लेने का अधिकार है। नियम 373 के तहत अध्यक्ष किसी भी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का निर्देश दे सकता है। तो सवाल इस बात का है कि 373 के तहत वो जो है लोकसभा सदस्य के ऊपर जो है स्पीकर कार्रवाई भी कर सकते हैं। अभी इसके अलावा कुछ शब्द हैं, जैसे घमंडिया शब्द है, इसको असंसदीय करार दिया गया है। अब वो भाजपा के लोग संसद में घमंडिया गठबंधन जो कहते हैं, जिसका अभी इंडिया गठबंधन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, असंसदीय जो है मतलब क्या कहते हैं, घोषित कर दिया गया। इसके अलावा हिंदी के कुछ नए शब्द असंसदीय शब्द की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। इसमें शकुनी, जयचंद, विनाश, पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती, जुमला जीवी, अनार्किस्ट, गद्दार, गिरगिट, ठग, घड़ियाली, आंसूर, अपमान, असत्य, भ्रष्ट, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, बापकट, लालीपाप, विश्वासघात, संविधानहीन, बहरी सरकार, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तरी पार, तलवे चाटना, तनाशाह और दादागिरी शामिल है। तो ये पोजीशन है सर। सबसे बड़ी बात है कि जो जब आप एक आदमी पर कार्रवाई करेंगे, एक आदमी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जो कि पहले आदमी से भी ज्यादा प्रत्यक्षता है, गुनाहगार है, तो उसमें कोई जो है सबूत और कोई उसकी भी जरूरत नहीं है। वो एकदम उसके जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड पर है और जो उसको पूरा देश जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है, बाकी तो आपने उससे कार्रवाई से हटा दिया है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई तो रमेश विधूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं?